राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन बाल
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंद ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसह गोपिका गंत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदशत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है, आज श्री श्यामानंद प्रभु का आज तिरुभाव तिथि है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतय। जब भगवान इसी जगत में आते हैं, भगवान अकेले नहीं आते, धाम और अपना परिकरों को लेकर के जगत में आते हैं। इसलिए कहते गौरांग रस संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सजाए ब्रजेंद्र सुत पास। कहते कौन व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में जा सकता, महाराज एक आसन दे रहे, कौन व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में जा सकते हैं। कहते हैं गौरांग रस संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, कहते जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के जो संगी लोग है, महापुरुष का जो परिकर है, उनको किस रूप में समझते हैं, कहते नित्य सिद्ध करी जाने। ये सब के सब नित्य सिद्ध है, महापुरुष के ये सब के सब परिकर है, इसलिए संगे आई सने संगे जानता था। इसलिए जगत में लीला करने के लिए
इस जगत में महाप्रभु के साथ में आते हैं, और महाप्रभु जब चले जाते फिर ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते, कहते वैष्णव का जन्म कर्म नहीं। जैसे भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य अपराकृत अलौकिक है। अगर ये चीज को जो समझ जाते हैं ना, फिर त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन, फिर वो शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में दो बार वो जन्म ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई वैष्णव जब शरीर छोड़ देते हैं ना, हम मरना शब्द नहीं कहते, अरे वो वैष्णव मर गया, हम ये मरना शब्द नहीं कहते। क्या कहते हैं, कहते उन्होंने अप्रकट हो गए और इनको तिरभाव है, है? कहते ये अप्रकट हो गए। अप्रकट मतलब क्या है, इस जगत में प्रभु की इच्छा से आए थे फिर प्रभु की इच्छा से चले गए, इसलिए कहते तिरभाव है, तिरभाव। और क्या कहते, विरह, विरह महोत्सव। इसलिए कोई व्यक्ति इसी जगत में मरते हैं हम दुखी होते हैं, लेकिन वैष्णव के लिए हम क्या कहते, महोत्सव। इनके लिए महोत्सव शब्द, कहते महोत्सव क्यों प्रयोग करते हैं, बोले कारण है, कहते राधा रानी की आशीर्वाद से, कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के गोलोक वृंदावन से जब एक उनकी सखी कोई मंजरी इसी जगत में आते हैं, तब इसे एक मंजरी सखी आकर क्या करते, अनंत जीवों को है जो कृष्ण विमुख थे, कहते अनंत जीवों को उन्होंने कृष्ण उन्मुख करते हुए है, अनंत जीवों को कृष्ण उन्मुख करते हुए प्रभुपाद कहते हैं माया में जो फंसे हुए जीव, कहते एक व्यक्ति, कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति, कहते अगर एक व्यक्ति को है, अगर उनको कृष्ण उन्मुखता कर दिया है, उनको कृष्ण उन्मुख कर दिया, प्रभुपाद कितने बड़ी बात कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज खोल दे, करोड़ों करोड़ दवाखाना खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगा, कहते केवल एक व्यक्ति को अगर ये संसार से कारागार से अगर कोई उद्धार कर दिया, बा उसको कृष्ण उन्मुख कर दिया, प्रभुपाद कहते उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा उसको पुण्य मिलेगा। इतने बड़ी बात कहते हैं, इसको तो जगत का लोग धारणा भी नहीं कर सकते। बोले क्या है, ये व्यक्ति को भजन कर दिया तो क्या, कौन सा बड़ी भारी बात कर दिया है, हैं? कौन सा बड़ी, करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज दवाखाना से में जो पुण्य, उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा, करोड़ों करोड़ ज्यादा है। इसलिए ये चीज को साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जब नारद जी की कृपा से ध्रुव महाराज जब मुक्त होकर के वैकुंठ लोक जा रहे थे, नारद कितने खुश हो रहे थे, बिना बजा बजा करके नारद जी नाच नाच करके, बिना बजा बजा करके नारद जी प्रसन्न हो रहे थे। बोले क्यों, कहते आज मेरी कृपा से मेरी मंत्र को ग्रहण करते हुए नाम लेकर के एक जीव क्या कर रहा है, वैकुंठ विजय कर रहा है, भगवान के धाम को जा रहे हैं। इसलिए कहते नारद जी, नारद जी जब भगवान को बोले कुछ संसार में ये जीव इतना दुख कष्ट उठा रहे हैं, उनको ले आओ ना, बोले मैंने 24 बार अवतार लिया, एक भी आना नहीं चाहते। बोले आप बहाना करते हो, बहाना करते हो, इसलिए ये दायित्व मैं तुमको ही दे देता हूँ, तुम ले आना। नारद जी जिनियों के पास में गए ना, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई, और कैलाश को पीछे पड़ गए तो उसको पीछे चार जन्म नारद जैसे व्यक्ति को लेने के लिए वैकुंठ उनको चार जन्म उसको पीछे बिताना पड़ा। फिर तो बड़े कष्ट से लेकर कहाँ पर गए, वैकुंठ में। भगवान ने बोले क्या बात है नारद जी, बोल रहा था एक दिन में वैकुंठ भर दोगे, एक दिन में वैकुंठ भर दोगे, कितना दिन में उसको लेकर के आए। बोले प्रभु आप सही बता रहे थे, इसके पीछे मेरे जैसे व्यक्ति चार जन्म इसको पीछे मैंने लगा दिया, तब एक जीव को कितना कष्ट करके मैंने यहाँ पर ले आया है। इसलिए यहाँ पर वैष्णव को, जब वैष्णव लोग शरीर छोड़ते हैं, हम क्या कहते, विरह महोत्सव। महोत्सव का क्यों कारण किया, बोले है इसलिए कहते हैं एक मंजरी एक सखी
ये राधा कृष्ण का आशीर्वाद से इसी जगत में आ करके आदे से आ करके जब अनंत जीवों को कृष्ण उन्मुख करते हुए हैं, कृष्ण भक्ति में लगा करके जब वापस जाते हैं ना, वहां पर उनको प्रिया प्रियतम हैं कृष्ण परिकर महाप्रभु के परिकर उनको स्वागत करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। कितने जीवों को आपने भगवान के भजन में कितने जीवों को लगा करके आए, समझ रहे हो? इसलिए भगवान की कथा प्रचार करना है ना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये बात कौन कह रहे हैं, बोले प्रहलाद कह रहे हैं, बोले प्रायण देव मुन्ने का सभी मुक्त कामा मैं उन्हें चरती परार्थ कामी। प्रहलाद कह रहे हैं हैं हम तो श्री नारद जी को जय जयकार देते हैं, नारद जी को महिमा गाते हैं। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है मैं राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है, हैं राक्षस कुल में जन्म हुआ, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति मेरे पिता जो इतना उदंड हैं, इतने भगवान को जो विद्वेष करने वाले, मेरे जैसे राक्षस व्यक्ति को भी जो भगवान की भजन में मन लगा दिया हैं, इसलिए हम उनको जय जयकार देते हैं। इसलिए जो लोग मौन न चरती मुंह बंद करके एक जगह पर बैठ जाते हैं, हैं मुंह बंद करके एक जगह पर बैठ जाते हैं, हम तो उनको निंदा करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं जय जयकार करता हूँ जो व्यक्ति मेरे जैसे व्यक्ति को भी भजन में लगा देते हैं, राक्षस जैसे व्यक्ति को। इसलिए कहते जगत में जो महाप्रभु का धर्म को जगत में प्रचार करते हैं, राधा रानी क्या कहती हैं, भूरिता जना, वो जगत में सबसे बड़े दानी जो कृष्ण कथा को जो दान देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उनने मार खा करके प्रचार करने के लिए मार खाना पड़ा। हरिदास ठाकुर हरिनाम करते थे, उनको 22,000 में पिटाई हुई। रामानुज आचार्य जी को जान से मारने के लिए कोशिश कर की गई, लास्ट में कुरेश गया तो उनका आग निकाल दिया। प्रभुपाद ने जब प्रचार की हैं, उनको भी जान से मारने के लिए प्रभुपाद को कोशिश की गई। जैसे मेरे गुरुदेव जब प्रचार करने के लिए गए, कुछ विरोध ऐसे बात बोलती है ना, ईंट पत्थर जूते हैं जूते गिरने लगे, हैं जूते गिरने लग गए। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने बहुत कष्ट करके इस जगत में महाप्रभु का धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए और हम जैसे व्यक्ति जो गमार गांव में रहने वाले हैं, और पता नहीं कौन सा नरक के कीड़े थे हम लोग, लेकिन हम जैसे व्यक्तियों को प्रचार किया गुरु वर्गों ने, तभी हम लोगों ने यहाँ पर आज आए और यहाँ बैठ करके ठाकुर जी के चरण में हम हरि कथा सुन रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, आरती में आते हैं, कथा में बैठते हैं। इसको साधारण बात मत समझना। ये चीज को प्रभुपाद कहते हैं, भैया इसी जगत में कृष्ण कथा दुर्लभ है। हैं बताओ पुरी में कितने लोग हैं, पुरी में कितने लोग, आप बताओ लोग अभी क्या करते होंगे, लोग बताओ, कोई टीवी देखता होगा, कोई शराब पीता होगा, कोई सिगरेट फूंकता होगा, हैं कोई लड़का लड़कियों को पीछे भागता होगा, कहीं उल्टा पुल्टा दुनियादारी की बात करते होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर के चरण में बैठ करके हरी कथा हैं, भगवान की चर्चा। प्रभुपाद कहते हैं इसी जगत में हरी कथा दुर्लभ है, हरी कथा स्वर्ग सत्य च कैलाश वैकुंठ नास्ते अमरस। कहते स्वर्ग में भी ये लाभ नहीं, वैकुंठ में भी लाभ नहीं, कैलाश में ब्रह्म लोक में भी ये भगवान की कथा नहीं, इतने दुर्लभ है, इतना दुर्लभ। इसलिए आज श्री श्यामानंद प्रभु का आज तिरुभाव तिथि है, इसलिए बोले श्री श्यामानंद प्रभु की जय। कहते हैं कहते जो श्यामानंद प्रभु है, कहते ये उत्कल में कहते धारण था बहादुरपुर एक स्थान है, कहते उसी गांव में श्री पिताजी का नाम था कृष्ण मंडल, माता जी का नाम था दुरिका, श्री दुरिका, इनकी गर्भों को आश्रय ग्रहण करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु जन्म ग्रहण किए। कहते इनके पहले इनके पुत्र जन्म होते थे, लेकिन पुत्र जन्म होकर के ना वो शरीर छोड़ देते थे, उनको संतान नहीं रहता था, जन्म मर जाते थे, हैं मर जाते थे। इसलिए एक दिन कहते इनको घर में कोई साधु आया, साधु आया तो माता जी ने कहा बाबा हैं संतों के पास में सब दुख बताते हैं, बोले बाबा गर्भ में तो बच्चे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, मर जाते, कोई उपाय है? जानते संतों की कृपा हो जाएगा तो कल्याण। बोले एक काम करियो,
इस बार तुम्हारे गर्भ में जो संतान होगा तुम बोल दो कि संतान को हम कृष्ण सेवा में दे देंगे, इसको मैं साधु बना दूंगा, हैं? फिर ये संतान मरेगा नहीं। बोले अच्छी बात है, बोले इस बार अगर एक संतान होगा इसको हम ठाकुर की सेवा में, वैष्णव सेवा में, संत सेवा में मैं दे दूंगा। इसलिए अगर संत को कोई दे दिया बात, भगवान को दे दिया ना, बोले क्या होता है, बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, काल भी वो किसका हो गया, ठाकुर का हो गया ना, भक्त हो गया है। काल को दुनिया डरते है, लेकिन काल किसको डरता है, काल डरता है भक्तों को, काल डरता है। इसलिए अभी उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया तो वो बच्चा इतना सुंदर बच्चा जन्म हुआ, दिन दोगुना रात चौगुना वो बच्चा बढ़ने लग गया। देखो मेरे अपना जीवन कथा सुनो, मेरे जो दो भाई के ऊपर में एक भाई है, तीन भाई के ऊपर में एक भाई, उसका नाम बाबा जी भाई, बाद में दे दिया। क्या हुआ, वो जब जन्म हुआ वो बाद में इतने बीमारी, जब बच्चा था इतने बीमारी उसने पड़ा, डॉक्टर फैक्टर देखा कर फेल हो गए, देखा ये बच्चा और बचने वाले नहीं। हमारे उड़ीसा में क्या करते, जब देखे बच्चे नहीं, फिर उसके एक सूप में सुला दिया, कुल्ला सूप में सुला करके पानी लेकर के जगन्नाथ जी को चरण में बोले, हे ठाकुर जी, हे जगन्नाथ जी, अगर ये बच्चा बच गया तो ये बच्चा हम साधु बना देंगे, बच्चे को है, ये बच्चा को हम साधु बना देंगे, तुम्हारी सेवा में ये बच्चे अर्पण कर दिया है। क्योंकि देखा बच्चे बचने वाले नहीं, हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन जब वो बच्चे को जगन्नाथ जी को दे दिया ना, फिर बच्चा मरा ही नहीं, क्योंकि भगवान को अर्पण कर दिया ना, काल का काल है। इसलिए दुनिया का मालिक को बच्चा ये नहीं हुआ। और हमारे सारे भाइयों में सबसे होनहार हुआ, हमारे गुरु जी के मंदिर में जो चित्रकारी है ना, उन्होंने भी कुछ, उनका हाथ का कुछ चित्र है, उन्होंने भी जो चित्रकारी, अभी बहुत उसका नाम है, सारे भाइयों में बढ़िया हुआ। क्यों, उन्होंने बोले ठाकुर को सेवा में दे दिया। अभी जब बच्चा बड़ा हुआ, हाँ लिखा बड़ा, जब लिखा जब बड़ा हुआ, बोल दिया था इसको ठाकुर सेवा में दे देंगे, तो उन्होंने बोले इसको लेकर किसी मंदिर में दे आओ। तो उन्होंने इसको लेकर के एक मंदिर में, कोई माता जी रहती थी, उस समय छोटे बच्चे थे, हैं 10-11 साल के होंगे, इसलिए लेकर के उसको मंदिर में दे दिया। अभी बच्चों को प्रेम चाहिए, दुनिया तो प्रेम के भूखे है ना, प्रेम चाहिए। वो किसी माता जी वहाँ पर थी, खाना ठीक से नहीं देती थी, स्नेह बच्चों को तो प्यार देना पड़ेगा, तभी तो बच्चे ऐसे रहेंगे, ऐसे थोड़ी बच्चे रहेंगे। इसलिए उन्होंने इतना आदर जत्न प्यार नहीं दिया, तो वो घर में भाग गया। फिर भाग गया तो फिर घर वाले फिर ला करके फिर देकर गए मंदिर में, फिर देकर गए तो वो प्यार नहीं मिलता था, उसको खाना ठीक नहीं। अभी पिता माता के इतना बचपन में छोड़ना इतना आसान बात थोड़ी है, इसलिए फिर भाग गए। ऐसे 2-4 बार उन्होंने छोड़े और भाग गए छोड़े, लास्ट में देखा ये तो मंदिर में रहेगा नहीं, फिर तो उसको उन्होंने क्या किया, अपना घर में रख दिया। रख कर फिर हमारे देश में बेनू बड़ा गोसाई, नाम सुने गौरिया, बेनू बड़ा गोसाई, फिर लेकर के नियम, फिर उनको बच्चे को वहाँ पर ले गए, लेकर उन्होंने फिर मुक्त करके लाना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि बच्चे को दे दिया था ठाकुर की सेवा में, बच्चा रहा ही नहीं। फिर वो बच्चे को लेकर के वहाँ पर साधु संतों की सेवा करके उसको मुक्त करके, हाँ उसको फिर मुक्त करके, क्योंकि ठाकुर की सेवा में रहा ही नहीं, फिर बच्चे को मुक्त करके फिर उन्होंने घर में वापस ले आए, घर में उसको है फिर ले आए। अभी हमारे वंश में किसको साधु बनने का था, इसलिए फिर वो तो बना नहीं, फिर मैं ही आ गया। हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने दे दिया, एक बच्चे को दे दिया था ठाकुर को सेवा में, इसलिए फिर बच्चा ने क्या ऐसे चक्कर बना, हमारे गांव में एक साधु आया, बच्चा साधु आया, अब मृदंग बजा कर बड़े सुंदर कीर्तन करता था, हाँ बड़ा सुंदर कीर्तन करता था, उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे इनका जीवन तो बड़ा पवित्र जीवन है, कुछ संस्कार होगा। फिर तो धीरे धीरे मैं मंदिर में फिर मैं ही आ गया। इसलिए यहाँ पर तो यह तो बहुत घटना है, इसलिए हमारे भाई ही काम करते थे, हमारे जो बड़े जो बाबा जी भाई ना, जो जिसको दे दिया था मंदिर के लिए, वही यहाँ पर कुछ चित्रकारी उन्होंने किया। वो घर में बोलता था, अरे एक चित्र विचित्र मंदिर ये पुरी में बड़ा सुंदर चित्र विचित्र मंदिर, एक बार देख करके आओ। फिर मैंने अपना दोस्त को साथ में आए, यहाँ पर जो देवी पूजा होता है ना, जो हाँ जो यहाँ बड़े बड़े देवी बनाते, नागा बनाते, देखने के लिए आए। फिर ऐसे करते करते कर धीरे 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 संबंध हुआ, फिर मैंने यहाँ पर आ गया। इसलिए
यहाँ पर ये बता रहे हैं ये श्री श्यामानंद प्रभु बड़े कष्ट से ये जन्म हुए, क्योंकि ठाकुर को है सब बच्चे मर जाते थे, बड़े कष्ट से जन्म हुए इन्होंने, इसलिए इनका नाम रखा दुखिया, क्योंकि बड़े दुख से उन्होंने जन्म हुए। लेकिन भगवान की परिकर है, हाँ ये भगवान की साधारण बच्चा नहीं, भगवान की बच्चा है। कहते कृष्ण लीला में ये कनक मंजरी है, राधा रानी की एक प्यारी सखी, इसलिए बड़ी सुंदर। और बचपन से पहले सब संस्कृत पढ़ाई होता था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने सारे हैं जितने सारे अलंकार और जितने विद्या इस सब के सब उन्होंने काव्य व्याकरण अलंकार शास्त्र उन्होंने थोड़ी दिन में ही उन्होंने सारे ग्रंथों को अध्ययन कर डाले। जब अध्ययन कर डाले अभी इनको अपने आप इनको अंदर में प्रेरणा बस स्वप्न आई, कहते मेरे गुरुदेव कौन है, बोले मेरे गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य, मेरे गुरुदेव इनका नाम श्री हृदय चैतन्य। इनका नाम हृदय चैतन्य क्यों नाम पड़ा, कारण है ये श्री गौरदास पंडित के शिष्य है। कभी आया महाप्रभु का जन्मतिथि कभी आया तो किसी कारण से वो बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा गुरु जी है नहीं, महाप्रभु का तिथि में सारे साधु गुरु वैष्णव को लाकर कीर्तन होता था, गुरुदेव तो है नहीं। उन्होंने देखा गुरुदेव अभी तक भी नहीं है, दो एक दिन रह गया। फिर उन्होंने सबको निमंत्रण करके उन्होंने महाप्रभु का कीर्तन भजन करने लगे। जब गुरु जी आए बोले तुमने किसके आदेश से सबको बुलाया, बोले गुरु जी हमने देखा अभी महाप्रभु का तिथि आ गया, आप अभी तक आए नहीं इसलिए किया। बोले तुम मंदिर में रह नहीं सकते, निकलो यहाँ से। गुरु जी का बगैर आदेश से है यहाँ पर शुरू कर दिया। लेकिन कुछ परीक्षा थी गुरुदेव का, कुछ परीक्षा थी, इतने में उनका नाम था चैतन्य, इसलिए उन्होंने वहां से गए और जाकर के उन्होंने क्या किया, गंगा किनारा में ना वहीं पर कीर्तन करना शुरू किया। जब कीर्तन करना शुरू कर दिया फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने सबरे मंदिर खोला ना, देखा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही नहीं। बोले भैया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहाँ गए, मंदिर से कहाँ गए, एक डंडा लेकर ढूंढे कहाँ गए, डंडा लेकर ढूंढे। जब ढूंढे देखा यमुना गंगा किनारा में, हाँ यहाँ पर जो चैतन्य उनको साथ में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु वहीं पर भक्तों को साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे, अभी नृत्य कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पर श्री गौरदास पंडित जब डंडा लेकर गए, ये कौन है, कृष्ण लीला में सुबल सखा है, ये प्रिय नर्म सखा, सखा के साथ में मित्रता रहता ना है, कांधे चढ़े चढ़ाए, कंधे पे चढ़ते हैं चढ़ाते हैं, जुटन खिलाते खाते। जब देखा ये गौरदास डंडा लेकर आ रहे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु डर गए, पिटाई करेगा भी हमको, हैं दोस्त है ना, इसलिए उन्होंने देखा क्या देखा, नित्यानंद और महाप्रभु इनका हृदय में प्रवेश करके देख करके बोले भैया ये सच्चा भक्त है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के, इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर शिष्य को उन्होंने घर में ले आए, इसलिए तब से उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। बस हृदय चैतन्य प्रभु की, इसलिए एकदम ऐसे करके बैठा तब नींद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हृदय चैतन्य नाम पढ़ा, इसलिए उनको अपने आप हृदय से स्फूर्ति हुई। कहते मेरे गुरुदेव कौन है, कहते मेरे गुरुदेव से हृदय चैतन्य मेरे गुरुदेव है। उनको स्वप्न आया, बोले पिताजी का आदेश लिया, बोले पिताजी मेरे को आदेश दो, मैं अपना गुरुजी के पास में जाऊंगा। उन्होंने तो बचपन से बोल दिया था ये बच्चे को हम कृष्ण सेवा में ही दे देंगे। फिर उन्होंने पिताजी के आदेश को लेकर के सबके सब लोग गंगा स्नान जा रहे थे दशहरा में, तो उन्होंने अपना गुरुजी के पास में आए और गुरुजी को उन्होंने दरवाजा के बाहर में बैठ रहे। गुरुदेव जब खोले तो गुरुदेव ने पूछा भैया तुम्हारे नाम क्या, बोले मेरा नाम दुखी कृष्णदास है, आप मेरे गुरुदेव है, आप मेरे गुरुदेव, इसलिए आप कृपा करके हमें दीक्षा मंत्र दिया। इसलिए उन्होंने सुबह दिन देखकर उनको दीक्षा मंत्र दिया, फिर उनका नाम रख दिया दुखी कृष्णदास नाम रख दिया। तो दुखी कृष्णदास नाम रख कर कुछ दिन तक गुरु जी को उन्होंने सेवा पूजा की, गुरु जी की अनुगत्य में रहे सेवा की। अभी गुरु जी ने उनको फिर वृंदावन में भेज देते हैं, किसके पास में, बोले श्री जीव गोस्वामी के पास में भेजा, बोले जाओ वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी उनको अनुगत्य में रह करके भजन साधन करो और सारे शास्त्र ग्रंथों को तुम अध्ययन करो। तो उन्होंने गुरु जी के आदेश पा करके नवद्वीप में गए, महाप्रभु का जन्म स्थान को दर्शन किया, दर्शन करते हुए
भ्रमण करते करते आए कहां पर, श्री वृंदावन में मथुरा होते हुए जन्म स्थान दर्शन करके श्री जीव गोस्वामी के पास में आए। उसको पहले नरोत्तम और श्रीनिवास है, ये दोनों पहले श्री जीव गोस्वामी के पास में आ चुके थे। अभी इन्होंने आ करके फिर इनके अनुगत्य में जितने सारे शास्त्र ग्रंथों को इनके अनुगत्य में सबके सब गोस्वामी शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन जब किया इतने में जीव गोस्वामी इनको आदेश दिया, बोले बेटा सेवा के बगैर मेवा नहीं मिलती है, बेटा जाओ सेवा करो। या निधुवन निकुंज में नहीं है, यहाँ पर रोज झाड़ू लगाओ। अभी भी राधा कृष्ण यहाँ पर रास करते हैं, इसलिए वहाँ रास सारे तरह का रास है, हैं? कहते एक रास है पासती रास, एक रास है शारदीय रास, एक रास है नित्य रास है, और एक रास है महारास है। इसलिए कहते जो नित्य रास है, अभी भी हमारे जो मंदिर रूप सनातन बैठे है, देखना उसको पीछे जो टोपी खुज रोज रास होता है। वृंदावन में ऐसे कुछ स्थान है, हैं? अगर बरसाना जाओगे ना जहाँ पर साकरी कौल, वहां पर रोज वहां पर रास होता है। ऐसे ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर विशेष स्थान, वहां पर मंडली आकर के रोज वहां पर रासलीला कराते हैं। इसलिए हमारे टोपी कुंज में रोज वहां पर देखना 24 महीना वहां पर रोज रास होती है, इसलिए भगवान का नित्य रास है, हैं? इसलिए कभी यहाँ पर भगवान नित्य रास करते हैं। कभी अद्याप्य शैलीला करे कृष्ण राय, कौन कौन भाग्य वृंदावन बंसी बाजे रे। मतलब क्या, अभी भी इसी वृंदावन में बंसुरी बजती है। एक ना सही ललना पानी भरते जाए जमुना, इसलिए बहुत बढ़िया कीर्तन है। कहते अभी भी ब्रज गोपियां क्या करती है, जमुना में पानी भरने के लिए अभी भी जाते हैं। अभी भी कृष्ण सखाओं के साथ में, अभी राधा रानी कृष्ण इनको कृपा करने के लिए, कृपा करे कैसे, और कभी कभी ब्रज धूल में लौट पोट खाते थे, उसी ब्रज धूल में लौट पोट खाते थे वहां पर, हैं? और ये ब्रज रज का विशेष महत्व है, ये ब्रज रज का विशेष महत्व है। इसलिए ब्रज में 4 रानी है, कितना रानी है, कौन कौन है, एक कथा एक साधु सुना रहे थे। कोई टिकिया की कोई रानी थी, वो आ रही थी पालकी में आ रही थी, और लोग टिकिया कोई स्थान है वहां से कोई रानी पालकी में आ रही थी, सब सामने बोले टिकिया की रानी आ रही है, बड़ी प्रसिद्ध थी टिकिया की रानी आ रही है। इतने में एक जमादारिणी है रास्ता में अकड़ अकड़ कर खड़ी हो गई, बोले कौन सा टिकिया की रानी, यहाँ पर 4 रानी, ये पंचमा रानी कहाँ से आ गई है, यहाँ पर तो 4 रानी आए। अभी वो रानी सुनकर भैया 4 रानी कौन, मैं तो समझ रहे थे मैं अकेले रानी, यहाँ 4 रानी कौन है। वो पालकी से उतरी, बोले भैया 4 रानी कौन है, बोले पहला नंबर रानी है, कहते यहाँ पर पहला नंबर रानी, कहते श्री सबसे बड़ी रानी श्री राधा रानी, इसलिए वृंदावन में जाओ सबके सब किसका नाम लेते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए वृंदावन में सबसे बड़ी श्री राधा रानी। और जो दूसरी रानी है कहते जमुना पट रानी, ये दूसरी रानी। वो तीसरा रानी कौन, बोले रज रानी, रज रानी, ये रज रानी है यहाँ के जो रज रानी। बोले चौथा रानी, बोले तीनों रानी की सेवा करने वाले महंत रानी हाँ ये तीनों रानी की सेवा करने वाली ये महंत रानी है, तू चौथा रानी पंचमा रानी कहाँ से आ गई, हाँ यहाँ पर। इसलिए वहां जो धूल है ना ये ब्रज रज रानी है, इसलिए रज को भी रानी कहती है। कहते वहां पर संतों का जो भावना है ना, कहते जो झाड़ू में कोई संत कह रहे थे वहां पर झाड़ू में जैसे वृंदावन को परिष्कार करते हैं, वहां पर जो अलग अलग वृंदावन धाम में साधु लोग झाड़ू में सेवा करते हैं, झाड़ू में उनको ये करते हैं सफाई करते हैं, इसलिए जब वो झाड़ू सफाई करते करते झाड़ू घिस घिस करके जब छोटा हो जाता है ना, वो झाड़ू को समाधि देते हैं। बोले क्यों, कारण का, बोले कारण है ये जो झाड़ू है इसने जिंदगी भर उन्हें रजराड़ी की सेवा की, ब्रज की रजराड़ी की है, क्योंकि अगर धूल साधारण है नहीं ना, धूला ना है धूली ना है गोपी पद धूली जय रेणु में खचिलो नंद बैठारो कानो, इसलिए कहती धूला धूली नहीं है, कहती ये धूला नहीं धूल ब्रज क्या है, धूला नहीं धूली नहीं, हाँ इसलिए ये साधारण नहीं है। जिस रेणु को कृष्ण स्वयं, कृष्ण ने स्नान किया था रजराणी,
और ये श्यामानंद प्रभु क्या करते, दुखी कृष्णदास रज रानी की सेवा करते हैं, धूल उठता है शरीर पर लगता है, उद्धव भी वहां की एक धूल के लिए उद्धव जैसे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ के मैं एक धूल बन सकता हूँ हैं यहाँ, इसलिए बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु, इसलिए उन्होंने एक रेणु को उन्होंने प्रार्थना किया, बोले किसकी, बोले राधा रानी की चरण की एक रेणु को वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ की महत्व ये ब्रज रेणु, इसलिए झाड़ू लगाते लगाते रोते हैं। अभी राधा रानी कृपा करने के लिए क्या की, जान बुझ करके अपना चरण की जो नुपुर उन्होंने छोड़कर चली गई। जब दुखी कृष्णदास सवेरे आए, झाड़ू लगाते समय देखा चमचमाते हुए एक सोने की नुपुर है, हैं सोने की नुपुर, बोले सोने की नुपुर कहां से मिला है, तो उन्होंने उठाया सर पर लगाया और लेकर के गुरु जी को देखा, बोले गुरु जी मैं झाड़ू लगाते लगाते एक चरण की नुपुर मिला, जीव गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में, कहती ये बिलास मंजरी, ये राधा रानी की एक सेविका, और राधा रानी के चरण के नुपुर देखकर तो पहचान गए, बोले बेटा ये नुपुर राधा जी की चरण नुपुर है, और राधा रानी कृपा करने के लिए हाँ जान बुझ करके उन्होंने ये नुपुर को छोड़ कर गए हैं, इसलिए खबरदार ये नुपुर जिसको जिसको देना नहीं, अगर कोई लेने के लिए आए ना बोलना जिनका नुपुर उनको पैर में ही मैं पहना दूंगा, इसलिए देना नहीं। अभी सवेरे ललिता विशाखा देखा राधा जी के एक पैर में नुपुर नहीं, बाम चरण में, बोले नुपुर कहाँ गया, बोले मैं वहाँ पुष्प चयन करने के लिए गया था, नुपुर कहीं घूम गया, जाकर देख करके आओ। तो वहां पर जब आए देखा श्याम दुखी कृष्णदास झाड़ू लगा रहे, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर पुष्प चयन करने के लिए आई थी, कहीं उनकी नुपुर घूम गया, क्या तुमको मिला है, बोले हाँ मिला, बोले दे दो, बोले जिनका चरण के नुपुर वो स्वयं आए मैं अपना हाथों से ही पहना दूंगा। और गुरु जी ने बताया देख बेटा परीक्षा करेंगे, देना नहीं है, देना नहीं, बोले जिनका नुपुर वो स्वयं आए मैं अपना हाथों से ही पहना दूंगा। बोले तू कैसे बाबा हो है साधु, हमारी घर के बहू और उनका अपना हाथों से प्यार में पहना होगी, शर्म नहीं लग रहा है, अच्छा चाहते हो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाएंगे धुलाई करेंगे तुम्हारी पैर। बोले भैया जो कुछ बोलना बोल दो, हम तो देने वाले है ही नहीं। इतने में फिर ललिता विशाख गए, बोले देखो राधा रानी वो बाबा तो कहते हैं अपना हाथों से ही आपका चरण में पहनाएंगे, बोले उनको बोल दो ये हमारी घर की बहू है हैं, इसलिए आंखों में काला पट्टी बांध दो फिर वो आएंगे। बोले कोई बात नहीं, उनका आंखों में काला पट्टी बांधे और स्वयं राधा रानी वहां पर स्वयं आती है, और श्री दुखी कृष्णदास राधा जी के चरण में अपना हाथों से नुपुर पहनाया, किसके, और राधा जी के चरण है, हैं आसानी नहीं राधा जी के चरण में नुपुर धारण करना, इसलिए नुपुर धारण करते हुए उनके रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई हैं, हृदय प्रेम में गदगद हो गया और चरणों को पकड़ते हुए बोले हे राधे जब आप इतने दूर तक कृपा की हो मुझे अंतिम दर्शन भी दे दिया था, राधा रानी तो कृपा करना ही चाह रहे थे, इसलिए मैं राधा रानी आंखों से काला पट्टी को खोल दिए और राधा रानी के दिव्य स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, बात दर्शन करते हुए बस, बोले मुनिन्द्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससी अमम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी पितान मंडप स्थिते प्रवार वार पल्लव पवारुणान्विको मले परावयत्पुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करी ससी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारती स्वरी
रामायण शासनी रामेश्वरी रामेश्वरी प्रमोदकारणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमः। श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी की स्तुति की। पर राधा रानी अपना नुपुर से ही नुपुर में है, और इनका जो तिलक ऐसे था ना, तिलक को बीच में उन्होंने एक तिलक लगा दी है, यहाँ पर एक बूंद लगा दी, तिलक बूंद लगा दी, इसलिए राधा रानी ने इनका एक नया नाम दिया। आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद। क्या नाम? श्यामानंद। श्यामानंद मतलब क्या? श्यामा मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, आनंद मतलब जो राधा जी की आनंद में जो आनंद है, बा राधा जी को जो हर समय आनंद देने वाले श्री श्यामानंद प्रभु। बोले श्री श्यामानंद प्रभु की। और उनने अपना हृदय से राधा रानी कृष्ण को निकाल करके उनको प्रदान किया, इसलिए है निकाल कर प्रदान किया, इसलिए अभी राधा श्याम सुंदर मंदिर में वो ठाकुर जी का पूजा सेवा हो रही, इसलिए राधा रानी जी अपना हृदय से निकाल करके वो ठाकुर को दिया है, हैं ठाकुर जी को दिया है, इसलिए उनका नाम श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर। और इसलिए राधा जी जो हृदय से प्रकाश करके देगी वो कोई साधारण वस्तु थोड़ी है, इसलिए वो तो श्याम सुंदर होंगे ही, इसलिए बड़े सुंदर ठाकुर उन्होंने प्रकट करके दिया, इसलिए वो ठाकुर को किसी ने बनाया नहीं, राधा जी का द्वारा दिया हुआ ये ठाकुर जी है। इसलिए फिर जब श्री जीव गोस्वामी है अनुगत्य में जब तीनों की अध्ययन हो गया, फिर गोस्वामी लोगों ने विचार किया अभी ये तीनों को प्रचार करने के लिए भेजो, और ये गोस्वामी ग्रंथों को जाकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार करें, इसलिए नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास को उन्होंने एक बैलगाड़ी में जितने गोस्वामी का ग्रंथ था, वो गोस्वामी ग्रंथ पहले इतना आसानी नहीं था है, इतना जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, जैसे ग्रंथ इधर उधर हमारा पड़ा हुआ ग्रंथ है सब, पहले एक ग्रंथ बड़ा दुर्लभ होता था, बड़ा दुर्लभ होता था ग्रंथ। मैंने देखा हमारे गुरुजी देव उनके पास में एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ था, तो उन्होंने हमारे मंदिर में किसी जो एक ब्रह्मचारी थे उनको बोले तुम भागवत कथा ये इसको पढ़ो करो, लेकिन वो ग्रंथ धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे पत्ता गल करके निकल रहा था, वो टूट फट रहा था, तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो तुम एक काफी लो, काफी लेकर के वो टीका जो विश्वनाथ जो टीका और उसको श्लोक को एक काफी में उतारो है, क्योंकि ग्रंथ दुर्लभ है, एक बार जो छपा दूसरा बार छपना बड़ा कठिन था पहले है, फिर उसको एक दूसरे काफी में उसको उतारो, उतार करके फिर उसको पढ़ाई करो, मतलब हमें वो क्या करते थे वो पूरा उसको काफी में उतारते थे, उतार कर क्यों पहले इतना दुर्लभ था ग्रंथ, अभी जैसे हमें गुरुदेव प्रेम सब चमत्कार हाँ जिंदगी हमें कभी सुना ही नहीं, जो गौड़ीय कंठा मंदिर पूरा मंदिर में एक होता था, एक ही होता था ग्रंथ, और वो ग्रंथ भी दुर्लभ था, अगर किसी तरह से गुरु जी का अलमारी में रहता था अगर लिखना तो हम ला करके फिर किसी कापी में उतार करके ना फिर ग्रंथ को वहीं वहीं रख लेते थे, मतलब इतना ग्रंथ दुर्लभ था ग्रंथ, और उसी समय में तो इतना दुर्लभ था ताल पत्ते में लिखा होता था, हाँ ताल पत्ते में है, और समझो अपना अभी तो प्रिंटिंग प्रेस में आसानी से कंप्यूटर में करके हो जाता है, ताल पत्ते में लिखना इतना आसानी बात नहीं है, फिर उनने उसी ग्रंथों को लेकर के बैलगाड़ी में लेकर के प्रचार करने के लिए फिर उन्होंने गए, या प्रचार करने के लिए गए एक बन विष्णुपुर है, बन विष्णुपुर में वो जो राजा का नाम क्या था, राजा वीर हबीर, वो डाकू का सरदार है, वो डाकू का सरदार पहले बड़े बड़े ज्योतिष लोग होते थे, वो पहले ही सारे बात बता देते थे, मतलब ऐसे ज्योतिष सारे बात पहले बता देते थे, राजा को बोले महाराज आपका देश में परम कल्याण होने वाले हैं, हैं यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, एक बक्सों को अंदर में ना हीरे जवाहरात सरपिया बड़ा रत्न उसका अंदर में माला ही माल है, अगर आप उसको चोरी कर लिया ना बस पूरा माला ही माल हो जाओगी, इतने में बोल दिया, फिर उनने दस्युओं को भेज दिया देखो कहाँ पर आ रहे हैं, एक बक्सों के अंदर में माला ही माला आ रहे हैं, इतने में सब डाकू लोग एकदम चले गए चारों तरफ में, और ये नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये ग्रंथ को बैलगाड़ी में ला ला करके, कहाँ से बैलगाड़ी से लाए, कहाँ से वृंदावन से लेकर के बैलगाड़ी में जाना कोई साधारण बात है,
कोई रास्ता घाट, अभी जैसे पिचू रोड नहीं, जंगल का रास्ता, यहाँ से कितना दूर है, हाँ उड़ीसा यहाँ से कितना दूर होगा, बंगाल कितना, इसलिए उन्होंने यहाँ से वृंदावन से चल चल उसको बैलगाड़ी में लेकर ग्रंथों को लेकर गए और दिन भर लेकर के हैं ले लेकर के दिन भर चलते थक गए थे, पर रात को उन्होंने गाड़ी को वहीं पर रख करके और वहीं पर विश्राम किया। बस विश्राम किया तो एकदम गहरा नींद में सो गया। बस डाकू लोग आए और पूरा के पूरा बक्से को उठा करके लेकर चले गए। सवेरे देखा बक्से है ही नहीं, बोले भैया बक्से कहाँ गया, कि गोस्वामी ग्रंथ बड़े कठिनी से गोस्वामी लोगों ने एक एक कर लिखे, अगर कहीं चला गया मतलब कितना दुर्लभ वस्तु है, कितना दुर्लभ वस्तु, बोले कहाँ चलेगा कहाँ चला गया, गोस्वामी लोग रोने लग गए, यहाँ पर गया कहाँ ग्रंथ, कहाँ गया, इतने कष्ट से हमने लाया था, हैं लिया कौन लिया कौन। कहते वहां से नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु वहां से वापस आए और गोस्वामी को बोले कहीं ग्रंथ चोरी हो गया है, लेकिन वहीं पर श्री हैं नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य वहीं पर रुक गए। कहते मैं देखता हूँ पता लगाता हूँ कहाँ गया। एक दिन क्या हुआ, आकर के उन्हें ढूंढते ढूंढते उन्होंने उनको पता चला यहाँ पर राजा एक डाकू का सरदार राजा है, राजा वीर है वीर, लेकिन होने पर भी रोज ये शाम को भागवत कथा सुनता है, डाकात का सरदार है लेकिन राज रोज शाम को भागवत कथा होता है। तब उन्होंने वहां पर आए, आए तो देखा एक वहां पर एक पंडित कोपी गीत के ऊपर में कथा कर रहे थे। तो उन्होंने भी आकर के बैठे हैं, बैठे वहां पर देखा एक पंडित जी गोपी गीत कर रहे राजा सुनते हैं। अब सब लोग बैठ करके पहले हमारे उड़ीसा में बंगाल में देखना वही शाम को हमारा जो उड़िया भागवत महाभारत गांव गांव में यही होता, पहले तो टीवी मोबाइल स्मार्टफोन था नहीं, सबके सब क्या बैठ कर क्या होते रामायण भागवत महाभारत यही पढ़ाई होता था, गाँव लोग बैठ करके सब सुनते थे, इसलिए वहां पर उन्होंने आकर बैठ कर सुने। लेकिन जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण चैतन्य भक्त तुम नित्य कर संग तबे तो बुझे तुम्हें सिद्धांत तरंग। बोले भागवत कहाँ पढ़नी चाहिए, बोले वैष्णव के पास में पढ़ो, अब विशेष कर महाप्रभु के जो भक्त हैं उनके अनुगत में पढ़नी चाहिए, तभी संपूर्ण रस आपको पता चलेगा। उनने देखा ये गोपी गीत पाठ करता है, वो साधारण पढ़ता है उसका मिनी बोल देता है, पढ़ता है मिनी, लेकिन हृदय में तो भाव है ही नहीं, हृदय तो भाव है ही नहीं। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की राजा से, क्या मैं एक दिन आप मेरे को चांद से देंगे, मैं भी गोपी गीत को थोड़ा पाठ करना चाहता हूँ। बोले हाँ देखा साधु आदमी, बोले कोई बात नहीं अब आओ आ करके पाठ करो। उन्होंने जो हमारी गोस्वामी को जो सिद्धांत जीव गोस्वामी अनुगत्य में उन्होंने जो पढ़ाए और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो टीका दिया बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती उन्होंने जो टीका दिया ना, क्या अद्भुत टीका दिया उन्होंने, क्या अद्भुत उन्होंने अर्थ है, इसलिए जय तीते धिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत ही दैत दृक्षताम दिक्षुतावका तोई धृता सबत स्वाम विचलत। उन्होंने जो उन्होंने व्याख्या उन्होंने जो किया है ना, कैसे एक एक श्लोक अन्य और व्यतिरक रूप में, अन्य व्यतिरक मतलब है एक अर्थ तो कृष्ण का प्रशंसामूलक अर्थ है प्रशंसामूलक अर्थ है एक अर्थ है, लेकिन दूसरा जो अर्थ है ना कहते कृष्ण को ताना मारते हुए प्रतिकूल रूप में कृष्ण को ताना मारते हुए एक तरह से प्रशंसा दूसरे तरफ उनको ताना मारना है, ताना समझते हो कि नहीं, उनको उलाहना देना, उनको एक तरफ में वंदना और एक तरफ में निंदा है वेजस्तुति रूप में, इसलिए दो दो तरह का अर्थ उन्होंने क्या उन्होंने व्याख्या किया और गोपियों की विरह की उन्होंने जो व्याख्या की, गोपियां किस स्थिति में कहां पर कैसे बैठ करके ये विरह गीत को कैसे गा रहे हैं, हाँ कृष्ण विरह में कैसे रो रो करके ऐसे उन्होंने कथा किया। उन्होंने हर राजा और वहां जितने लोग बैठे हुए थे ना वो जितने समय तक पाठ किया सबके सब रोते रहे, सबके सब कृष्ण विरह में सबके सब रोते रहे, हे इनकी कथा सुन करके ना अक्के बक्के चक्के हो गए। अरे बाबा रे इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, क्या अर्थ किया, राजा तो खुश हो गए, राजा खुश गए इस कब्र में। इतने में
वो राजा के राज्य में रहता था। जब उन्होंने एक दिन ही वहां पर जाकर के राजा देखा बाबा करते हैं क्या, या क्या करते हैं, जाकर देखा बाबा रो रहे थे, श्रीनिवास प्रभु रो रहे थे। राजा ने पूछा आप रो रहे हैं क्यों, तो उन्हें सारी बात बताई है, सारी बात बताई, हम लोग गोस्वामी ग्रंथों को लेकर के आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन आपका राज्य की सीमा में हमने जब प्रवेश किया सारे ग्रंथ गोस्वामी ग्रंथ हमारी अपहरण हो गया, और बड़े कष्ट से गोस्वामी लोग लिखे हुए थे ताल पत्ते को अंदर में, हम महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने बाक्स को उठा करके लाए, ज्योतिष ने क्या बताया था, ये बक्स में हीरे जवाहरात है, अनेक अनमोल रत्न, अगर ये बाक्स अगर आपका हाथ में आ जाए ना, माला माल हो जाओगे, माला माल हो जाओगे, जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी। बात सही है, बात सही है, सचमुच जब बक्स को लाए ना, जब खोला उसमें तो ग्रंथ ही ग्रंथ है, कुछ है ही नहीं। उन्होंने ज्योतिष को बोला भैया तुमने धोखे कैसे दे दिया, तुमने कहा था इसको अंदर में खूब माल है, कुछ है नहीं, तालपत्र में क्या पुस्तक पड़ा हुआ। बोले देखो हमारा ज्योतिष जो बताया तो जो बताया वही मैंने बताया, मैं अपना मन से तो बताया नहीं, सचमुच से रत्न ग्रंथ है, ग्रंथ रत्न, ग्रंथ क्या बताया, ग्रंथ रत्न है, ये ग्रंथ साधारण नहीं, ये स्वयं भगवान है अभिन्नत्वात्, इसलिए तत्तेनयं वांग्मय मूर्ति, ये ग्रंथ साक्षात भगवत स्वरूप है, सप्त ब्रह्म रूप में ये ग्रंथ रूप में ही जगत में प्रकाशित भगवान हुए हैं। बोले भैया हमने तो हमारा ज्योतिष गणना जो बताया हमने बता दिया, तो राजा चुप हो गए हैं। लेकिन सचमुच से जब उन्होंने बोले इस बात को बोले, तो उन्होंने उनको चरणों में गिर पड़े, बोले ये ग्रंथ चोरी करने वाला मैं नहीं चोरी किया, मेरे लोगों ने, क्योंकि हमको ज्योतिष ने ऐसे बताया है, हैं सही बताया था, उसके अंदर में रत्न है, इसलिए मैं वो अपराधी है। फिर उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, पूरा राज्य उनकी है, पूरा सब देश उनका शिष्यत्व हुए, उनकी शिष्यत्व ग्रहण किए। फिर ये संवाद गोस्वामी के पास में भेजा, राजा ने चोरी किया, फिर ग्रंथ मिल गया, फिर सारे गोस्वामी लोग प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के फिर ये जो तीनों है ना, कहते श्री नरोत्तम है, कहते इन्होंने श्री मणिपुर में गए, और श्री श्यामानंद प्रभु को उन्होंने भेज दिया हमारे उड़ीसा में, और श्रीनिवास आचार्य उन्होंने बंगाल में प्रचार किए, इसलिए ये तीनों को उन्होंने तीनों देशों में, और हमारे देश में उड़ीसा में कौन आए, श्यामानंद। अभी भी जो गोपी वल्लभपुर है, इसलिए वहां पर उनका स्थापित विग्रह है, हाँ, राधा श्याम सुंदर कौन ठाकुर जी वहाँ पर हैं, ठाकुर जी वहाँ पर बड़े सुंदर मंदिर है। ये श्यामानंद प्रभु अभी हमारे उड़ीसा में, अभी भी उनका जो प्रचार प्रसार है ना, हम लोग जो उड़िया लोग जो भक्त बन रहे हैं, ये श्यामानंद प्रभु का ये कृपा है, इनका आशीर्वाद है, जो कि हमारे उड़ीसा में उन्होंने महाप्रभु का प्रचार प्रसार, महाप्रभु को इतना कोई नहीं जानते थे, इन्होंने आकर के महाप्रभु को प्रचार किया, इसलिए गांव गांव में देखो महाप्रभु का कीर्तन है। मैं जब छोटा बच्चा था हमारे गांव में, सचिनंदन आओ हे, ऐसे ऐसे करके गाते थे, मैं छोटा बच्चा था, भैया सचिनंदन कौन होता है, हाँ ये सचिनंदन कीर्तन में सबसे पहले उनको महाप्रभु का आह्वान करते ना, सचिनंदन कृपा करके आओ, और निमाई सन्यासी हमारे गाँव में होता था, महाप्रभु कैसे विष्णु प्रिया को छोड़कर, इसने हम सुनते थे निमाई सन्यासी, हम तो छोटे बच्चे थे, इतना तो समझता ना था सन्यासी किया निमाई कौन है, लेकिन हम बैठते थे सब गांव गांव में, जो हमारे जो कीर्तन का टोली है गांव गांव में, अभी है ना कीर्तन गांव गांव में होता है, किसकी कृपा, श्री श्यामानंद प्रभु का कृपा है, इन्होंने ही हमारे संपूर्ण उड़ीसा में इन्होंने प्रचार और प्रसार किया, उनने उनकी बहुत सारे शिष्य भी इनका हुए हैं, हमारे उड़ीसा में बहुत सारे उन्होंने शिष्य भी उन्होंने किया है, शिष्य करते हुए हमारी उड़ीसा में उन्होंने प्रचार किया, इसलिए उनका शिष्य में कहते श्री रसिक कुमारी राधानंद पुरुषोत्तम मनोहर चिंतामणि बलभद्र जगदीश्वर उद्धव अक्रूर मधुवन गोविंद जगन्नाथ गदाधर आनंदानंद राधा मोहन, कहते इनके ही कहते बहुत सारे शिष्य थे, कहते शिष्यों में इनका जो अंतरंग जो शिष्यों का नाम को यहाँ पर उन्होंने अंतरंग शिष्य का नाम को उन्होंने यहाँ पर लिया है, इसलिए इनका जीवन में कुछ अद्भुत घटना भी आती है, क्या है,
कहते एक बहुत बड़ा जोगी था, ये कथा आती है श्यामानंद प्रभु की कथा में, एक बहुत बड़ी जोगी था जिसका नाम था दामोदर, है ये बहुत बड़ी जोगी था, ये क्या सारा दुनिया में इनका नाम था, है सारा दुनिया में इनकी नाम था, अरे ये बहुत बड़े जोगी है। लेकिन उन्होंने श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने जंगल का हाथी को उन्होंने शिष्य बना दिया है। और रसिकानंद प्रभु, हाँ कहते ये श्यामानंद प्रभु का साथ में रसिकानंद प्रभु का किया, इनका शिष्य को बना दिया होगा। कहते ये यहाँ पर कहते दामोदर जो जोगी था, इनको साथ में भी उनका मुलाकात हुई। हाँ समाधि जो वहाँ पर है ना, समाधि हाँ किरचरा गोपीनाथ में जो समाधि, वहीं पर वहाँ पर रसिकानंद प्रभु, वहाँ पर श्यामानंद का कुछ कुछ सीन होगा। यहाँ पर दिया है कि जोगी को, कहते श्यामानंद प्रभु कहते हैं कि जोगी को भी उन्होंने परिवर्तन किया, जोगी को भी उन्होंने परिवर्तन करते हुए उनको भी भक्त बनाया। इसलिए कहते उनका जीवन में यहाँ पर कहते बड़े अद्भुत अद्भुत उनके जीवन में है चरित्र, इनका जीवन में अद्भुत अद्भुत जीवन। इसलिए कहते इनकी कृपा में ही, कृपा से ही हमारे उड़ीसा में महाप्रभु का धर्म प्रचार हुआ है। इसलिए आज उनकी त्रिभाव तिथि है, इसलिए श्री श्यामानंद प्रभु को हम लोग प्रणाम करते हैं, वो हम सबको पर भी कृपा करें, विशेष करके उड़ीसा में उनकी जो प्रचार, उनका उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रचार इनकी उड़ीसा है, और उनकी कृपा से में ही हम लोग जो उड़िया लोग हैं उनकी कृपा से ही हम लोग उड़िया लोग सब भक्त बने। इसलिए हम सबको पर भी कृपा करें, जैसे हम महाप्रभु धारा में नित्य स्नान कर सके। बोले श्री श्यामानंद प्रभु की, बोले श्री रसिकानंद प्रभु की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे jaya 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 jaya
और ग्रहण करते हैं।